दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बुरा वक्त सभी पर आता है। फिर चाहे वो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो। आज अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है और इनकी कुल संपत्ति लगभग 3,400 करोड़ रुपए है। लेकिन दोस्तों, अमिताभ के ऊपर भी एक वक्त ऐसा आया था जब वो पूरी तरह बर्बाद हो गए थे और उनके ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। 90 के दशक में अमिताभ अपने करियर में चरम पर थे। उसी दौरान बिग बी ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी जिसका नाम अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL था। इस प्रोडक्शन हाउस में अमिताभ बच्चन को भारी नुकसान हुआ था और उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा हो गया था। इसके साथ ही उन पर 55 केस भी हो गए। उधार वापस लेने वाले लोग उनके घर आते थे और पैसे ना मिलने पर लोग अमिताभ बच्चन को खूब बुरा भला कहते थे। अमिताभ की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो अपना बंगला भी खोने वाले थे। एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ ने बताया कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खराब वक्त था। जो लोग उनकी कंपनी से जुड़ने के लिए एक्साइटेड रहते थे, वो अचानक बदल गए और उनका दुश्मनी वाला बिहेवियर हो गया था। वो काफी रूड और अपमानजनक हो गए थे। कर्ज वापस लेने वाले लोग दरवाजे पर आकर गालियां बकते थे और धमकियों के साथ अपने पैसे वापस मांगते थे। अमिताभ बच्चन ने 1995 में अपनी ये कंपनी शुरू की थी और 1999 आते आते ये स्थिति हो गई कि अमिताभ के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। लोगों का विश्वास उनकी कंपनी से उठने लगा। उसी के बाद लेनदारों का उनके घर पर जमावड़ा होने लगा था। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपना एक बंगला गिरवी रखना पड़ा। बिग बी काफी परेशान रहने लगे थे और उन्हें रातों में नींद तक नहीं आती थी। जब अमिताभ पर सारे रास्ते बंद हो गए तो वो यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए। इसके बाद यश चोपड़ा ने उनको मोहब्बतें फिल्म ऑफर कर दी और यहीं से अमिताभ की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। इसी दौरान अमिताभ को उनका रियलिटी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने को मिल गया। 2013 में दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था कि ये शो ऐसे वक्त में मेरे पास आया था जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रिपोर्ट्स की माने तो पहले सीजन के 85 एपिसोड से अमिताभ ने करीब 15 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद सुपरहिट फिल्म मोहब्बते में काम करने के बाद उनके पास फिर से फिल्मों और टीवी एड्स की लाइन लग गई। इनसे कमाए पैसों से बिग बी ने अपने सारे कर्जे चुका दिए। एक इंटरव्यू में परेश रावल ने बताया था कि अमिताभ बच्चन के ऊपर इतना पैसा बकाया था, फिर भी उन्होंने कभी किसी को बुरा भला नहीं बोला। वो चाहते तो कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्ज का एक एक रुपया लौटा दिया। आखिरकार वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, मानना पड़ेगा, वो महान आदमी है।